ये अंडे पड़े हुए सारे के सारे देखें माशाल्लाह जी दोस्तों, हमारा माशाल्लाह से इनक्यूबेटर आ गया। वीडियो की स्टार्टिंग में इनक्यूबेटर से ले रहा हूँ। अच्छा आपको तो ये दिखाऊं, 160 अंडों वाला इनक्यूबेटर है ये। इसका टेम्परेचर वगैरह चल रहा है, ह्यूमिडिटी चल रही है, ये ह्यूमिडिटी फायर है। जिस तरह शादी वगैरह पे वो नहीं होता, उस तरह से देखें इसने भाप बनाई हुई है। ये नीचे से कलर्स हैं, इसको हम अंदर रखेंगे अभी। दूसरा ये अंडे हमने सारे के सारे अंदर रख दिए हैं, ये देखें ये अंदर अंडे रख दिए। ठीक है सलीम माहौल, ये रे ये अंदर रखे सो, ये विक्की में भाप आए हैं। ये कह दी ना था भाई ना, अंदर अंदर ऐसा जा हैं इतना क्यों रखे सो। मुझे पहले जल्दी नहीं करता ना ना, ये सारे इकट्ठे निकल सन 20 तारीख को संडे चा के ना, 20 तारीख को ऊपर से नीचे रख देंगे डिश के अंदर। हाँ ये अंदर रखे, ये इसका डब्बा है चाचा, अभी ह्यूमिडिटी फायर का। ये बंदा घर के लिए ले ले ना ना, ये नीचे असील के अंडे हैं, उनके लिए ना टेम्परेचर ये काउंटिंग वगैरह लगा दी है इस पे। इसको बंद कर देना, इसको ना जरा नीचे कुछ देना पड़ेगा, थोड़ा सा गत्ता शत्ता इसके जरा है ना, खर्चे करे क्योंकि चाचा सलीम कुछ बनेगा, बगैर खर्चों के कुछ भी नहीं बनता, बेगम भी नहीं आती बगैर खर्चों के। नमी जरूरी है ना चाचा सलीम, इन्हें वास्ते बढ़वाई की थी, ये मुल्तान से बनवाई है। पानी चाचा भी इसमें इतना ही रखना है बस, ये के एक दो बस रबड़ ना डूबे इतना हो। हाँ, और एक दो दिन ना इसकी एहतियात करनी है बस, के पानी मतलब पता चल जाए कि कितने दिन बाद तब्दील करना हो, ज्यादा डालना है डालते जाएंगे, निकालना तो नहीं है पानी, निकालना तो नहीं है, ये खुश्क हो जाता है, ये खुश्क हो जाएगा। अभी देखो ह्यूमिडिटी 57 के ऊपर है ना, ये नीले रंग का, ये मेरे ख्याल में इसको बंद करते हैं अभी, ये देखो सेट हो जाएगी ये, अभी जब आएगी ना इसके ऊपर क्या नाम है जी 65 के ऊपर 65-70 पे खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ये बड़ी जल्दी पड़ रही है ये, फिर जब 60 से नीचे आएगी फिर स्टार्ट होगी। इनक्यूबेटर जी हमारा यहाँ पे सेट हो गई है फुल अच्छे तरीके से, इसके साथ अब और हमने कुछ भी नहीं रखना, तमाम चीजें जो चलानी थी चला दी हैं इसके अंदर माशाल्लाह से। अब इंशाल्लाह 18 दिन के बाद अंडे नीचे रखेंगे और फिर बच्चे लेंगे इससे। ये देखें अभी चल रहा है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ह्यूमिडिफायर भी चल रहा है इसके अंदर, ये देखें ये 100 वाट वाले ना दो बल्ब हैं और ये ह्यूमिडिफायर। चलो अच्छी बात है यार, ह्यूमिडिफायर बहरहाल देख के दिल बड़ा खुश हुआ, दिल कर रहा है इसको ना ह्यूमिडिफायर को घर ही रख लूँ मैं। ये लाइट जलाऊँ यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये अंडे पड़े हुए सारे के सारे, ये देखो ये अंडे, फिर उसके बाद जाली में रखेंगे, ऊपर भी अंडे पड़े हुए सारे के सारे। ये डेट रख दी है कि 20 तारीख को ना हमने अंडे जो हैं ऊपर से उठा के इधर नीचे जाली के अंदर रख देने। अभी लाइट बंद करें, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इसका 25 पे है, ह्यूमिडिटी 56 पे जा रही है। फातिमा आप चूजे आने हैं हमारे पास, क्या आने हैं चूजे कि मैं अजान चूजे। अब ये हमारे पास चूजे आएंगे तो चूजे होके फिर मजे करेंगे, देखेंगे चूजे क्या करते हैं हमारे साथ। बहरहाल बड़े मुझे काफी अरसे से खुशी थी, उसमें छोटा सा ख्वाब भी था कह रहे कि मैं अंडो वाली एग्स इनक्यूबेटर लूं, फिर मैंने एक दस्ते भी बनवाई, ये टब पड़ा हुआ है ये देखें, ये बनवाया था इसके अंदर रखे थे पहले वो कटोरी पानी वाली, ये टब जो उसके बाद मशीन ऊपर गत्ता रखा हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र इनक्यूबेटर ले लिया, इंशाल्लाह ये अच्छा रिजल्ट देगा, मैं फिर इसके बाद आगे चलेंगे। और छोटे छोटे जो मामलात होते हैं चीजें होती हैं खरीदो फरोख्त, आपकी हर चीज आपके कहे हुए टाइम पे पूरी नहीं होती, कुछ चीजों के लिए आपको सफर करना पड़ता है, कुछ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ के लिए कुछ ऐसे फातिमा। अभी बर्ड्स रूम के अंदर ही ना मैंने साइड पे इनक्यूबेटर रख दिया है, मैंने कहा चाचा आप ही तो देखते रहे, मैं हफ्ते तक तो मुल्तान जाऊंगा, तब तक चाचा भी देखेगा, मैं देख लूंगा, उसके बाद चाचा भी, बर्ड्स भी हमारे माशाल्लाह से फुल एक्टिव है। इसको जरा यहाँ रखे ना,
इसके देखो यार, पार ब्लू के जो अंडे मैंने रखे थे इसके नीचे, ये क्या कर रहा है हमारे साथ जोरा। ओहो, एक अंडा खरा, ये क्या, एक से बच्चा निकल रहा था, डेड एंड शेल हो गया। इससे बच्चा ठीक से निकल नहीं पाया। ये देखो, बच्चा बना हुआ है और बच्चा अंदर ही मर गया। इसके समझ नहीं है ये डेड एंड शेल की क्या वजह है। और देखें और की क्या पोजीशन है, तीन अंडे पड़े हैं और देखो अभी क्रैक होंगे तो पता चलेगा। बहरहाल एक अंडे का बड़ा दुख हुआ, शायद इनके पैर लगे हो, नाखूनों से टूट गया हो। ये देखें ये है क्या आखिरकार। ये मुझे लग तो रहा है क्रिमिनल रेड है देखो, क्योंकि इसकी आंखें भी रेड हैं और पल इसके वाइट नहीं है, येलो कलर में पल रहे हैं। ये मुझे क्रिमिनल लग रहा है। चलो जी इसे यहाँ पे रखते हैं, अल्लाह वारिस है। ये भी आपके एक शौक के अंदर चीज होती है कि बच्चे पालें, बड़े हों ना हों, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला मजीद जो बच्चे अंडे पड़े हैं उनसे बच्चे वगैरह दे देंगे। बाद में एक बच्चा एक्सपायर हो गया यार हमारा, इसको हम लुकिनों देखें देखें कुछ दिया नहीं दिया, इसने भी अभी तक कुछ नहीं दिया। अच्छा डिस्टर्ब नहीं करते, एक तो बाहर निकल आया दूसरा अंदर बैठ गया, लगता उसे पता चल गया मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये देखें माशाल्लाह से जी, इनको एलोवेरा लगाए थे, प्लकिंग कर रहे थे, अब सेट हो गए हैं। ये हमारा इनो का पेयर, उसके बाद पास्टल ब्लू के बच्चे देखें, ये तो बड़े हो जाने चाहिए, अब तक तो सेल्फ हो जाने चाहिए। नहीं सेल्फ नहीं हुए ये, लेकिन पार वगैरह इनके ना पूरे आ चुके हैं अच्छे तरीके से। ये उम्मीद है 10-15 दिन मजीद लेंगे सेल्फ हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आपको मैं दिखाऊं, ये देखें थोड़े थोड़े पार रह रहे हैं इस पे बच्चे के, उसके पूरे हो चुके हैं। ये बंद कर दें, उसके बाद ये पास्टल ब्लू, ये स्प्लिट का पेयर बाहर आया बैठा है यार। इसका जो बच्चा है ना बाद में निकला था रेड आइज का, वो अभी तक अंदर बैठा है। माँ बाप ने हालांकि तीन अंडे दे दिए हैं, मैं कहता हूँ एग्ज आ गए हैं इसको अलग कर दूं, लेकिन ये भी छोटा है, ये ठीक से फीड नहीं कर पा रहा ना खुद खा पा रहा है, तो इस वजह से मैं इसे अलग भी नहीं कर रहा। मैं कह चलो कोई बात नहीं, इसे अभी अंदर ही करने देते हैं। इसके बच्चे देखें पास्टल ब्लू का क्या बना, इसने भी तीन ब्लैक आइज दिए हुए हैं। अभी ये बड़े होंगे तो पता चलेगा, अभी तो सारे लग रहे हैं वाइट वाइट बाल हैं इनके कि जैसे अल्बाइनो हों, लेकिन अल्बाइनो नहीं है ये, इनके ना क्रोन डार ही है दूसरे। क्या हुआ फातिमा, खम्ब? अच्छा इसे बाहर फेंक दो, बाहर बाहर फेंको इसे, चलो बाहर ले जाओ बाहर। और हमारे कॉमन रूटीनों का एक पट्ठा ये बैठा है, छह ये बैठे हैं, सारे एक्टिव हेल्दी हैं। आज इनका पानी भी चेंज करते हैं। क्या हो गया है? ओहो इसे ना बाहर ले जाओ आप, ये मैंने इस पैर को उठाया था ना बाहर आ गया। इसके देखें पार ब्लू और अल्बाइनो ने कुछ दिया अभी तक, नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने अंदर ना, बस सिट्टे खाए हुए खोल वगैरह अंदर इकट्ठे कर रखे हैं इन्होंने और कुछ भी नहीं। चलो फातिमा चलो बाहर चलें, चलो चलो। किसने मारा है? अच्छा अच्छा चलो कुछ नहीं होता। ये आगे इनक्यूबेटर की जानब, अब ह्यूमिडिटी कितने पे हो गई, 54 पे अभी भी। ये क्या हुआ, 54.9, इतनी कम होनी तो नहीं चाहिए इसे। चुप हो जाओ, रुक जाओ, ह्यूमिडिटी फायर ठीक से काम कर रहा है। इसको मुझे लगता है हमने ना थोड़ा ज्यादा काट दिया, इसको थोड़ा कम करते हैं अभी।